तो ये देख सकते हैं आजकल ना नदी बहुत कम हो रखी है। ये देख सकते हैं एक घंटे से काफल तोड़ने पर लग। तो इस साइड से ना हमारा गांव साफ दिख रहा है, तो यहाँ से मैं आपको अपने गांव का व्यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति ने ये स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बगवाड़ी गांव की इन खूबसूरत सी घाटियों से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत सी नदी बह रही है, तो इस नदी का नाम है गंगा नयार। और ये नदी ना दूधातोली से बहते हुए आ रही है और ये जा रही है सीधा देवप्रयाग। तो अभी ना हेलो अभी जा रहे हैं हम काफल लेने काफ़ी दिनों बाद। वैसे तो आजकल हमारे गांव के काफ़ी लोग जा रहे हैं काफल लेने, तो हम लोग आज ही जा रहे हैं। मैं और मेरी दो दोस्त हैं रोशनी और ये है धनी, तो हम तीनों के तीनों जा रहे हैं काफल लेने। तो अभी ना हम मतलब अपने घर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो इस गार्ड में आ चुके हैं हम। और यहाँ से हमें उस साइड जाना है काफल लेने, तो वहाँ ऊपर साइड देख सकते हैं डोरे का छाला बोलते हैं ऊपर साइड को, और वहाँ पे एक गांव भी है। तो गांव के नीचे नीचे साइड काफल के काफ़ी पेड़ रहते हैं और गांव के ऊपर साइड भी रहते हैं। तो देखते हैं हमें किस साइड काफल मिलते हैं। तो पहले हमें नदी पार करनी पड़ेगी और उस छाला जाना पड़ेगा काफल लेने के लिए। तो ये देख सकते हैं आजकल ना नदी बहुत कम हो रखी है, और अब बरसात के टाइम पे तो काफ़ी भयंकर आ जाती है नदी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ना ये पत्थर पत्थर लगे हुए हैं, पगडंडियाँ बनी हुई हैं उस साइड जाने के लिए, और ये नीचे साइड भी है। तो रोशनी तो चली गई है नीचे साइड से और मैं भी जाती हूँ। ये देख सकते हैं तो ये जो पत्थर है ना काफ़ी फिसलन भरे हो रखे हैं पानी की वजह से, तो डर भी लग रहा है यहाँ से जाने में कहीं गिर ना जाए और बहुत नदी में ना बह जाए। कितना सुंदर हो रखा है यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। तो जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नदी ऊपर से बहते हुए आ रही है, और जिस साइड से हम आए थे उस साइड से भी पूर्वी नयार बहते हुए आ रही है, और दोनों नदी का संगम हो रहा है नीचे पे। और यहाँ से ना हम पानी लेके जाएंगे क्योंकि हमें वहीं नाश्ता करना पड़ेगा जंगल में जहाँ हम काफल लेने जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम पानी भर रहे हैं, तो रोशनी भरेगी मेरी बोतल भी, ले इसको भी भर। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ ना बांज बुरांस और काफल के घने जंगल हैं, ये देख सकते हैं। तो घर से आते आते काफ़ी गर्म हो चुका है, तो मैं मुँह धो लेती हूँ। और ये पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, फिर से भी ठंडा पानी है, ये बिल्कुल बांज की जड़ों का पानी है, तो बहुत ही ठंडा होता है। तो पानी भी हमने भर लिया है और अब चलते हैं अपने सफर की ओर काफल लेने। तो यहाँ पे भी अच्छी सी पगडंडियाँ बनी है, पत्थर लगा रखे हैं गांव वालों ने बड़े बड़े। तो ये देख सकते हैं इस साइड आते ही हमें काफल के पेड़ दिखना शुरू हो गए हैं, और ये है डोरिया गांव जाने का रास्ता। और सामने वाले साइड भी काफ़ी पेड़ हैं काफल के, लेकिन ना इस साइड काफल नहीं है क्योंकि आजकल लोग काफ़ी दिनों से काफल लेने आ रहे हैं, तो इस साइड दिख ही नहीं रहे काफल पेड़ों पे। ये देख सकते हैं ये हैं काफल के पेड़। तो इस साइड से ना हमारा गांव साफ दिख रहा है, तो यहाँ से मैं आपको अपने गांव का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं ये है हमारा रौली गांव, और यहाँ के लोगों ने झंगोरे की गोडाई भी कर दी है। और झंगोरा देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा हो रखा है यहाँ के खेतों में, ये देख सकते हैं। और यहाँ रास्ते में हमें एक से एक पेड़ दिखा, और इस पेड़ पे देख सकते हैं कितने सारे पहाड़ी सेब आ रखे हैं। तो हमें जाना है सामने वाली घाटी में काफल लेने, तो उतनी दूर अभी हमें पैदल जाना है, और थकान इतनी लग गई ना रास्ते में ही, बहुत ज़्यादा थक गए। तो अभी ना हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं पलाण गांव से, सीधा ऊपर आ चुके हैं हम जंगलों में। और यहाँ पे ना मेरे को एक छोटा सा पेड़ दिखा है काफल का, ये देख सकते हैं इस पे काफ़ी सारे काफल पके हुए हैं। तो ये पेड़ ना नीचे नीचे है, तो मेरे लिए सही है जाने के लिए क्योंकि ज़्यादा बड़े पेड़ में मैं नहीं जा पाती, तो इसी से तोड़ती हूँ मैं काफल।
तो ये देख सकते हैं कितने काले काले काफल हो रखे हैं। और आजकल आषाढ़ का महीना भी लग चुका है और बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, तो इस वजह से काफल काले काले हो चुके हैं और बहुत ही मीठे हो रहे हैं खाने में। तो अभी ना मैं एक पेड़ पर चढ़ी हुई हूँ और इस पर देख सकते हैं काफल ही नहीं है, क्योंकि सारे काफल ले गए लोग और ये ना लास्ट के काफल है इस साल के, इसके बाद काफल ही नहीं है जंगलों में। ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, एक घंटे से काफल तोड़ने पर लगे हैं हम और इतने काफल तोड़े हैं मैंने, अभी आधा थैली मिल ही नहीं रहे काफल। और रोशनी वाला उस वाले पेड़ पे चढ़ी है सामने वाले काफल पे, तो कैसे हो रखे हैं, बिल्कुल सूखे सूखे हो रखे हैं काफल में, रस ही नहीं रह गया अब। तो अभी ना हमने काफल भी तोड़ लिए हैं काफी सारे और हम ना एक अच्छी सी जगह पे बैठे हैं, बिल्कुल समतल जमीन है और ये देख सकते हैं रोशनी ने ना फुल भर दी अपने काफल की बाल्टी, तो 2 किलो की बाल्टी ला रखी रोशनी ने और मैं 5 किलो की बाल्टी लाई, मेरी अभी तो आधी आधी बाल्टी हो रखी। मेरा मन नहीं कर रहा काफल को तोड़ने का, क्योंकि मेरे पेट में ना इतना भयंकर दर्द हो रहा है, छाती में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, उसको ढका दिया। और ये ना पत्ते रख रहे हैं बाल्टी के अंदर से, क्यों हो रही है पत्ते देर के काफल सूखने से, ये तो पता चला, हम तो पता नहीं थे। तो मैंने तो हैंड वॉश भी कर लिए है और ये इतने बदतमीज लोग हैं कि हैंड वॉश भी नहीं कर रहे हैं। पानी पहले खत्म कर दिया सारा। और ये देख सकते हैं हमने ला रखे हैं घर से, मैंने तो पराठे ला रखे हैं आलू के और ये मेरी मम्मी ने अचार भी रखा हुआ है थैली पे ताकि गिरे ना। और धन्नू भुले ने ला रखे हैं मंडवे की रोटियां, मंडवे और गेहूं की मिक्स रोटी, और ये है पत्ता गोभी की सब्जी, और रोशनी ने ला रखी है आलू और प्याज की मिक्स सब्जी और ये गेहूं की रोटियां। और ये देख सकते हैं कितनी सारी रोटियां ला रखी है हमने, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे पर ला रखी है सबने बहुत सारे। तो आज का हमारा लंच ना जंगलों के बीचों बीच हो रहा है, पलाण गांव के जंगलों के बीचों बीच। तो सामने देख सकते हैं पलाण गांव दिख रहा है, छोटा सा गांव है और कुछ घर ना इस साइड है जंगल के इस साइड, तो वो दिख नहीं रहे यहाँ से। हाँ पलाण चू मैल पलाण चू माँ कसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नाश्ता करना पलाण। तो रोटी सब्जी सब बांट दिए हमने, बराबर हिस्से कर दिए हैं सबके और अब स्टार्ट करते हैं हम लंच करना। भूख भी बहुत तेज लग चुकी है मेरे को। अबे यार ये गाड़ी में आ रोट में। तो हमारा लंच भी हो चुका है डन और हम अभी बैठे हुए हैं, पेट इतना भारी हो गया ना, रोशनी बोल रही है सोने का मन कर रहा है बस। और दन तो फोन चलाने पर लगी है, अपना रील बना रही है भाई। हमारे अचार की थैली है, अचार की थैली हमने वहाँ फेंक दी। अचार लाए थे इतना सारा घर से, खाया नहीं वहाँ फेंक दिया जंगल में। तो अभी हम काफल दोबारा से तोड़ेंगे और 3 बज चुके हैं टाइम और आधा घंटा और टिपेंगे हम काफल और उसके बाद चलेंगे घर। तो अभी हम फिर से आ चुके हैं काफल तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हैं थोड़े से काफल, तो हम सोच रहे इसी वाले पेड़ पे हो जाते आधा आधा थैली भी हो जाते, तो उसके बाद हम घर चले जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है आज, मन ही नहीं करा अब काफल तोड़ने का। तो मेरी बाल्टी भी भर चुकी है और अब हम घर जाने वाले हैं और रोशनी ने देख सकते हैं एक बाल्टी और एक थैला भर रखा है काफल का, और धनी ने भी काफ़ी सारे काफल टीप दिए हैं और ये वाला डब्बा आधा भर दिया उसने और ये बाल्टी देख सकते हैं फुल भर रखी है। और अभी ना 4 बज चुके हैं और सनसेट भी होने वाला है, तो अब हम लोग घर चलते हैं और काफ़ी दूर जाना है, उस साइड जाना है, उस पहाड़ी के उस साइड, वहाँ है हमारा घर, हमारा गांव मतलब। तो हमने अपना पिटर तो कपड़े और जान बैठ गई दिया देख रहे हो एक्सीडेंट हो गया साल कुत्ती हाथ लाया। तो
अभी आ गए हम डोरे गांव में और हमारे गांव की दीदी रहती है यहाँ पे, मतलब बुआ दीदी है हमारी। तो हम उनके घर पे जा रहे हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि उस जंगल से हमें कहीं भी पानी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। तो दीदी और के घर से लाते हैं पानी और चाय भी पीते हैं। थकान लग गया भयंकर वाले। तो ये देख सकते हैं दीदी हमारे गांव की है, मतलब मेरी बुआ दीदी लगती है, बुआ दीदी। तो दीदी लोगों के घर पे भी आ चुके हैं और ये दीदी पान रहे हैं। दीदी अभी हम घर जा रहे थे, यहाँ पे भयंकर बारिश आना शुरू हो गया। अभी ना थोड़ी बारिश बंद हो चुकी है तो हम घर की तरफ जाने लग गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डोरा गांव के लोग खेतों में झंगुरे की गुडाई करने पे लगे हुए हैं बारिश बंद होने के बाद। ये देख सकते हैं चारों तरफ लोग गुडाई गुडाई कर रहे हैं खेतों में। तो अभी ना हम काफी ऊपर आ चुके हैं और ये रोड ना बिंदेश्वर जाती है, बिंदेश्वर मोटर मार्ग है। और सामने बगवाड़ी गांव दिख रहा है और ये बगवाड़ी गांव की औरतें जा रही है गुड़ाई करके खेतों से घर। और अभी का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं आप हमारे पहाड़ों का। बारिश लग रही है, बारिश। तो हे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की सार में और ये देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरे कपड़े गीले हो गए और हालत खराब हो गई आज तो। और ये छाता ना रोशनी का है। थैंक यू सो मच छाता देने के लिए। ये छाता कुछ नहीं बसा रही है। अब भाभी लोग गुड़ाई करके आ गए, इतनी बारिश में आ रखे हैं गुड़ाई करने के लिए। तो बाय बाय बाय, हां टाटा टाटा। और क्या आए यार, जा चलो ठीक है फिर बाय। आज इतनी भयंकर ठंड लग गई ना और हाथ पांव मेरे इतने सुन हो गए ना। तो हमारे घर का रास्ता ना यहाँ से सीधा आगे को है और अभी मुझे काफ़ी जाना है घर के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स करें और साथ में जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।